ldtutorial.com is a free worldwide online study website. Hello friend, आज के हम सेक्शन बात करते हैं एडिट मेन्यू में जो बचे हुए मेन्यू है उसके बारे में। जैसे इसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक डिलीट तक हम लोग पढ़ लिए थे, अंडू से लेकर डिलीट तक। आज के हम सेक्शन में फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, इन सब से लेकर डेट एंड टाइम तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फाइंड क्या होता है। और फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ। जितना मतलब इधर किनारे किनारे लिखा गया है ये सब इनका शॉर्टकट होता है, तो आप लिख कर याद कर सकते हैं। तो फाइंड मतलब क्या होता है, फाइंड मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, खोजना। जैसे मान लो आपको लाखों स्टूडेंटों के बीच में अगर आपका रिजल्ट निकल गया, पीडीएफ फाइल है रिजल्ट की और उसमें लाखों स्टूडेंट हैं, उसमें आपका नाम ढूंढना है, तब तो ऐसे ढूंढते रह जाएंगे, करीब 100 पेज ढूंढते रह जाएंगे तब आपका रोल नंबर मिलेगा। तो इससे बढ़िया क्या होता है कि लोग फाइंड कर लेते हैं, फाइंड पर क्लिक करते हैं, अपना रोल नंबर या फिर नाम लिखते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं, उससे आसानी रहती है। तो फाइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर हम ये ढूंढना हो कि ए कहाँ है, ए तो ऐसा छोटा फाइल आपको दिख जा रहा है, तो लेकिन बहुत अगर बड़ा फाइल है उसमें से किसी एक ए को ढूंढना है तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फाइंड करते हैं, तो फाइंड के लिए हम जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं तो कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाएंगे तब भी फाइंड हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड क्या करना, फाइंड वर्ड मतलब खोजना क्या। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख लिया एज, एज लिखने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, एक डायरेक्शन दिया अप, एक डायरेक्शन दिया डाउन। अप का मतलब क्या है कि ये ऊपर की तरफ ढूंढते हुए जाएगा, डाउन का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ ढूंढते हुए आएगा। अगर डाउन पर क्लिक है और ढूंढने पर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब फाइंड करने पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अप पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर लीजिए, तो देखिए एज यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। तो ये डाउन की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाउन पर क्लिक है, आप देखिए। अब क्या है कि ये खोज लिया, अब अगर आपको खोजते हुए ऊपर की तरफ जाना है तो आप यहाँ अप पर क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए, खोजता जाएगा। तो फाइंड से यही होता है कि जो वर्ड आप चाहते हैं वो वर्ड चाहे जितने भी पेज रहो उसमें से आपको खोज कर आसानी से दे देता है, तो ये फाइंड का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक मैच केस। मैच केस मतलब क्या होता है कि अगर कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में लिखना है तभी दिखाई देगा। मतलब आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल में, कुछ वर्ड ऐसे स्मॉल में हैं और आपको बस कैपिटल वाले ही चाहिए, तो आप यहाँ मैच केस पर यहाँ पर कैपिटल में लिख देंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कैपिटल ही कैपिटल दिखाएगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे डाउन पर करके, तो देखिए ये एज दिखाता जाएगा। तो फाइंड मतलब कुल मिलाकर किसी वर्ड को खोजना, वो फाइंड हो गया आपका, इसका शॉर्टकट हो गया कंट्रोल के साथ एफ। अब आता है फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड प्रीवियस क्या होता है। फाइंड नेक्स्ट मतलब उस वर्ड जैसे आगे और कहाँ कहाँ से वर्ड है वो आपका फाइंड नेक्स्ट होता है। जैसे मान लो आपने यहाँ से फाइंड कर दिया, आपने यहाँ फाइंड कर दिया इज, जब आप यहाँ पे इज फाइंड कर दिए तो अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हो, इसका शॉर्टकट होता है F3। तो अगर फाइंड नेक्स्ट करते हो इसका मतलब ये हुआ कि और ये वर्ड कहाँ कहाँ है आगे तो वो फाइंड करेगा। जैसे मान लो कि इज यहाँ पर है, अब आपको इज आगे कहाँ है ये ढूंढना है तो आप फाइंड नेक्स्ट करोगे, या फिर इसका जो शॉर्टकट है F3 वो आप क्लिक करोगे तो देखो ये आगे इज ढूंढता हुआ चला जाएगा। फाइंड प्रीवियस मतलब क्या होता है कि इससे पीछे इज कहाँ कहाँ है वो ढूंढ कर देगा, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। तो जैसे आप फाइंड कर लो यहाँ से इज, आप लिख कर जैसे आपने फाइंड किया, यहाँ फाइंड दिखा दिया, अब आपको प्रीवियस देखना है कि और इज कहाँ कहाँ है प्रीवियस में, तो शिफ्ट के साथ आप F3 करते हैं तो ये देखो आप प्रीवियस से ढूंढ कर देगा कि इससे पहले इज यहाँ है। तो यहाँ पर ये काम करता है, मतलब फाइंड मतलब एक वर्ड आप ढूंढ दिए, फिर फाइंड नेक्स्ट मतलब क्या है कि वो वही वर्ड आगे और कहाँ कहाँ है, फाइंड प्रीवियस का मतलब था वही वर्ड और पीछे कहाँ कहाँ है वो होता फाइंड प्रीवियस। अब हम बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस मतलब क्या होता है कि आपने जो वर्ड फाइंड किया उसके जगह पर किसी और वर्ड को लिख देना वो रिप्लेस होता है। जैसे आपने अभी फाइंड किया इज के बारे में, जैसे कंट्रोल एफ करके आप इज कर दिए, ठीक है, आपने इज ढूंढ दिया कि इज यहाँ पर है। अब आप ये चाहते हो कि इज के जगह पर आर आ जाए या इज के जगह पर कुछ अलग वर्ड आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एडिट में जाइए, एडिट में जाकर आप रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, और नहीं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एच बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर देखिए दिखा दिया फाइंड पार्ट, मतलब आपने क्या खोजा है। तो आपने क्या खोजा, इज खोजे हैं, रिप्लेस विथ किससे, किसके द्वारा आपको ये रिप्लेस करना है। जैसे मान लो इज के जगह पर आप चाहते हो आर आ जाए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आर,
और यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करते हैं तो एक जगह ही बदलेगा, लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ जहाँ ईज है वहाँ वहाँ बदल जाएगा। आप सपोज कि आप रिप्लेस कर लीजिए तो एक जगह आर हो गया, अब आप अगर रिप्लेस ऑल कर दे जहाँ जहाँ ईज था वहाँ वहाँ आर हो गया। तो इस तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस। अब हम बात करते हैं गोटू के बारे में। गोटू क्या होता है, गोटू क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोटू का मतलब होता है कि जितने लाइन नंबर है उस पर जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया पहला लाइन, सॉरी ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन, ये हो गया तीसरा लाइन, ये हो गया चौथा लाइन, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठवा, मतलब कुल मिला के इसमें सिक्स लाइन है। अगर आप पहले लाइन पर हो आपको पाँचवे लाइन पर जाना हो तो आप क्या करोगे? तो सिंपल तरीका, आप एडिट में जाकर गोटू पर क्लिक करके और फाइव भर देंगे तो आप पाँचवें लाइन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा है? इसलिए नहीं शो कर रहा है कि आप फॉर्मेट मेन्यू पर जाकर वर्ड ड्राइव पर ट्रिक है। अब वर्ड ड्राइव पर अगर ट्रिक नहीं रहेगा तब गोटू दिखाई देगा, अगर वर्ड ड्राइव पर ट्रिक रहेगा तो गोटू नहीं दिखाई देगा। अब वर्ड ड्राइव क्या होता है ये हम लोग जो फॉर्मेट मेन्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें कवर कर लेंगे। अभी आप सिंपल वर्ड ड्राइव को हटा दो। जैसे आपने वर्ड ड्राइव को हटा दिया आप देखो गोटू दिखाई देने लगा। गोटू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जी। तो आपने अगर कंट्रोल प्लस जी किया तो अगर आप देखिए आप पहले लाइन पर हो यहाँ पर, आपको पाँचवें लाइन पर जाना है तो यहाँ पर फाइव लिखोगे और गोटू पर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर पाँचवें लाइन पर आ गए। तो इस तरह से ये काम होता है, मतलब गोटू का काम होता है। उसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या है कि आप या तो माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लो, नहीं तो शिफ्ट के साथ आप जिधर के एरो बटन दबाओगे उधर का सेलेक्ट कर लो। लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि एक साथ ही पूरा सेलेक्ट हो जाए, मतलब एक साथ ही जितना मैटर लिखा हो उतना मैटर सेलेक्ट हो जाए, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। नहीं तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ए बटन। तो आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं या फिर यहाँ एडिट में जाकर कंट्रोल के साथ ए बटन पर क्लिक करते हैं तो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इतना एक साथ सेलेक्ट कर लिया, अब आप इतना अगर कॉपी करते हैं तो सब कॉपी हो जाएगा। आप इंटर बटन दबाने के साथ पेस्ट करेंगे तो एक बार में इतना मैटर पेस्ट होगा। तो ये काम हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब क्या है कि सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम चल रहा है वो डेट एंड टाइम आपका यहाँ टेक्स्ट पर आ जाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर एडिट में जाकर यहाँ डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे सिस्टम में यही डेट एंड टाइम चल रहा है वही यहाँ पर आ गया। इसका शॉर्टकट होता है F5। आप यहाँ से F5 आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये सारा मैटर आ जाता है। तो ये डेट एंड टाइम होता है कि अगर हमें अगर सिस्टम जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर नोट्स तैयार कर रहे हैं उसे हम डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर रहा हमारा एडिट मेन्यू। एक चीज़ यहाँ पर और है सर्च विद बिंग। तो बिंग क्या है जैसे आपको पता ही होगा, बिंग क्या है, गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। तो अब बिंग के द्वारा जो भी मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैटर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर और आप कंप्यूटर को बिंग द्वारा खोजना चाहते हो तो एडिट में जाकर अगर हम सर्च विद बिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि बिंग के द्वारा ये कंप्यूटर के बारे में ढूंढ कर देगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो इस तरह से एक सर्च इंजन ही है जैसे गूगल होता है और कुछ इसमें नहीं है। तो ये हमारा एडिट मेन्यू एक तरह से लगभग ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे एडिट ट्यूटोरियल।